नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कलवरी क्लास सबमरीन के बारे में। स्पेशली बात करेंगे आईएनएस करंज को लेके, जिसको आज इंडक्ट कर लिया गया है, ऑफिशियली कमीशन कर लिया गया है इंडियन नेवी में। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इंडिया के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है स्पेशली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेके, वो 2001 में साइन किया गया था, लेकिन उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन को लेके वर्कशेयर था, उसमें आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला था, जहाँ पे फ्रांस ऐसा चाह रहा था कि फ्रांस और स्पेन मिलके भारत के 6 सबमरीन में से 2 सबमरीन को बना के वो डिलीवर करेंगे, और 4 जो सबमरीन होंगे वो भारत में बनाए जाएंगे, जिसके लिए कहीं कि भारत तैयार नहीं था। और ये 6 के 6 सबमरीन भारत में बनाए जाने को लेके अग्रीमेंट 2005 में हुआ, जहाँ पे फ्रांस की DCNS जो कि अब नेवल ग्रुप हो चुकी है, और भारत के बीच में करार हुआ MDL के बीच में, जिसके अंतर्गत 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन यानी कि CM-2000 MDL के द्वारा बनाए जाने थे कंप्लीट ट्रैक ट्रांसफर करके। ये 6 के 6 सबमरीन बना लिए गए हैं, मतलब 5 आपके कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं। जो लास्ट है वागीर, वो कंस्ट्रक्शन के फाइनल फेज में है, और इन 5 में से जो आज तीसरा है उसको इंडक्ट कर लिया गया है, और 2 आपके समुद्र में हैं। सो जो भारत और नेवल ग्रुप के बीच में करार हुआ था, उसमें भारत के ये इंटेंशन थे कि आने वाले टाइम में तकरीबन 18 के नंबर में जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है वो खरीद सकती है भारत अगले 25 सालों में। तो ये जो विंडो है वो खुली हुई है अभी, अगर भारत चाहेगा तो एडिशनल जो सबमरीन है वो प्रोक्योर कर सकता है। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की बात करते हो कुछ फीचर की, तो यहाँ पे जो सोनार स्वीट है काफ़ी एडवांस दिया गया है। वो पे आपको लॉन्ग रेंज पैसिव सिलेंड्रिकल सोनार दिखेगा, जो कि इस सेक्शन में लगाया जाता है। तो प्राइमरली ये चीज़ सुनने के लिए है, यानी कि एनिमी की कोई भी साउंड ट्रैवल कर रही है तो उनको सुनने के लिए है। और भी यहाँ पे सोनार के पैनल दिए गए हैं, जैसे कि इंटरसेप्ट सोनार, एक्टिव सोनार, डिस्ट्रीब्यूटर सोनार, फ्लाइंग कैरे और हाई रेजोल्यूशन सोनार यहाँ पे दिए गए हैं। इन सब को यहाँ पे मैं लोकेट कर दूंगा। सबकी वर्किंग के बारे में अपने प्रीवियस वीडियो में हम बात कर चुके हैं। यहाँ पे जो भी आपके फ्लैंक पे सोनार एरे पैनल होता है उसकी एक्यूरेसी हायर होती है, क्योंकि वो आपके सबमरीन के आउटर सर्फेस पे है, वहाँ पे जो उसको नॉइज मिलेगी जो बाहर से आ रही होगी वो वही सुनेगा, और उससे भी जो कम नॉइज होता है आपका टोड एरे रिसीव करने में सक्षम होता है। तो ये कुछ इस तरह के यहाँ पे सोनार दिए गए हैं आपके स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन में। यहाँ पे कंट्रोल रूम दिया गया है, जिसकी हेल्प से जो भी आपके सोनार के इनपुट है वहाँ पे रिसीव किए जा रहे होंगे, जो कनेक्टेड हुआ कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम से। इस तरह के कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम जो कि अल्ट्रा एडवांस है, हर तरह की सिचुएशन के लिए आपको तैयार रखते हैं, आपकी जो अवेयरनेस है वो बनाए रखते हैं, प्लस कॉम्बैट प्लानिंग को लेकर जो आपका पाथ है वो प्रिपेयर करके रखते हैं। यहाँ पे जो सबमर्ज रेस्क्यू व्हीकल है वो दिया गया है स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन में, जिसकी हेल्प से जो भी आपके ड्राइवर्स हैं वो सबमरीन से बाहर निकल सकते हैं। तो कुछ इस तरह का जो डिवीजन है आपको देखने को मिलता है। जो पहला हल्का सेक्शन है वहाँ पे जो वेपन्स है वो रखे जाते हैं, वेपन के जस्ट नीचे आपका सोनार होता है। वेपन की ही बात यहाँ पे हम डिटेल में कर लेते हैं, तो 6 टॉर्पेडो ट्यूब यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि 53 सेंटीमीटर का टॉर्पेडो फायर करने में सक्षम है, और इस तरह का 1800 ऊपर जो टॉर्पेडो है वो ये कैरी कर रहा होगा। यहाँ पे भारत के केस में इन सबमरीन को और भी एडवांस टॉर्पेडो से इक्विप करने के लिए जो टेंडर है वो निकाला गया है। इनके लिए जो टॉर्पेडो है वो प्रोक्योर किए जाएंगे, प्रॉब्लम जो F-21 है वो प्रोक्योर किया जाएगा, जो कि अपने आप में काफी एडवांस टॉर्पेडो है। F-21 की बात करते हो, इसमें दिया गया यूनिक सिल्वर जिंक बैटरी हेल्प करता है इसको एक लंबी दूर तक ट्रैवल करने में, और ज्यादा देर तक वहाँ पे रहने में, सबमरीन या फिर शिप जो आपका टारगेट है उसको ढूंढने में। तो यहाँ पे F-21 की जो रेंज है वो 50 किलोमीटर से भी ऊपर की है, और जो मैक्सिमम स्पीड है वो भी पर्याप्त है, जो कि 50 नॉट का है, बैठता है 95 km/h का। तो इसकी स्पीड प्लस जो रेंज है वो इसको डिस्टिंक्ट बनाती है। तो ये टॉर्पेडो भारत के स्कॉर्पियन के लिए प्रिक्योर किए जाएंगे। वहीं पर 18 के नंबर में जो एक्जोसैट है SM-39 एंटीशिप मिसाइल, वो ये कैरी करने जा रहा है। इस तरह के मिसाइल को भारत में बनाने के लिए एक जो जॉइंट वेंचर है वो कर लिया गया है LNT और MBDA के बीच में, जहाँ पे जो SM-39 है वो भारत में बनाए जाएंगे, और जो भी आपके स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है उन पर ये इंटीग्रेट होंगे। MBDA के SM-39 के बारे में बात करते हो, तो ये एक लॉन्ग रेंज ऑल वेदर एंटीशिप मिसाइल है, जिसको लॉन्च किया जा सकता है किसी भी डेप्थ से। अपने साथ ये कैरी करता है फायर एंड फॉरगेट फीचर, जहाँ पे मिसाइल का जो डायमीटर है वो 350 mm का है। सक्षम है ट्रैवल करने में 1 मार्क की स्पीड से, जबकि जो सी स्किमिंग कैपेबिलिटी है वो भी दी गई है। यहाँ पे एक्सोसेट की रेंज की बात करते हो, तो वो रेंज वेरी करती है 100 से लेकर 180 किलोमीटर के बीच में। गाइडेंस के लिए यहाँ पे मिसाइल में एक्टिव रडार होमिंग दी गई है, और GPS गाइडेंस भी दिया गया है। तो ये काम कैसे करेगा, जैसे कि आप सबमरीन के कंट्रोल रूम में हो, आपको कोई बेयरिंग दिखती है एनमी के वॉरशिप की, तो जहाँ पे भी मैक्सिमम बेयरिंग होगी उस लोकेशन को पॉइंट करते हुए आप इसको फायर कर सकते हो। फायर करते ही जैसे आप फायर करोगे तो ये आपके सबमरीन के टॉर्पेडो ट्यूब से बाहर निकलेगा, क्योंकि कोई वर्टिकल लॉन्चर यहाँ पे दिया नहीं गया है, तो आप टॉर्पेडो ट्यूब से ही फायर करोगे। टॉर्पेडो ट्यूब से निकलने के बाद कुछ दूरी ट्रैवल करेगा, फिर बाहर निकल के जो मेन मिसाइल है जो कि सबमरीन लॉन्च वेरिएंट में यानी कि SM-39 में अंदर रखा गया होगा, वो बाहर निकलेगा, और फिर वहां से वो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा सी स्कीमिंग करते हुए, और जाके एनमी के वॉरशिप को हिट करेगा। तो इस तरह के 18 मिसाइल यहां पे दिए गए हैं। वहीं पे 30 के नंबर में जो सी माइंस है ये उनको भी कैरी करने में सक्षम है। तो ये तेरे बाद इसको लेके वेपन की, यहां पे वेपन को लेके कुछ और जो क्लैरिफिकेशन है वो प्रॉब्ली करेंगे। तो वरुणास्त्र यहां से फायर नहीं किया जाएगा, वरुणास्त्र की जो लेंथ है वो ऑलरेडी आगे है, और वरुणास्त्र का जो सबमरीन वेरिएंट है उसका डायमेंशन अभी आया नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में इन सबमरीन के लिए भी DRDO और भारतीय कंपनियां इनके लिए टॉर्पेडो बना रही हैं। बीच में आपको यहाँ पे कंपार्टमेंट दिख रहा होगा सेल के पास, जो कि मेन हैच कंपार्टमेंट है, इधर से जो क्रू की एंट्री है वो होती है।
यहाँ पे सेल पे दिए गए इन सिस्टम के बारे में बात करते हो तो जो पीछे आपको दिख रहा होगा वो स्नॉर्कल है। बेसिकली इसकी हेल्प से जो आपका सबमरीन है वो समुद्र में रह के भी इसको ऊपर करके जो एयर है वो ले सकता है समझ हालत में। यहाँ पे स्नॉर्कल को स्नॉर्ट भी कहते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे दी गई है। जो सिस्टम आपको फ्रंट में दिख रहा है ये आई बैंड बेस्ड रडार है, वहीं पे अटैक स्कोप दिया गया है, रेडियो कॉम के लिए जो डिवाइस है वो दिया गया है, प्लस जो एक सर्च स्कोप है वो भी दिया गया है। तो ये सभी सिस्टम यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको। और इसी के जस्ट नीचे जो कमांड सेंटर है वो दिया गया है, उसके पीछे आपके स्लीपिंग क्वार्टर्स हैं, देन आपके किचन आते हैं, फिर जो प्रोपल्शन चैम्बर है वो लगाया जाएगा। यहाँ पे प्रोपल्शन की बात करते हो तो दो डीजल इलेक्ट्रिक जो इंजन है वो लगाए गए हैं, जिसको सबमरीन के बनाते वक्त ही थर्ड हल से डाला जाता है। सो हम कल बात कर रहे थे AIP को लेके, DRDO के AIP को लेके, तो वो चीज़ यहीं पे फिट की जाएगी। जहाँ पे आपको किचन दिख रहा है वहाँ से जो हल है वो कटेगा और बीच में जो AIP है वो आ जाएगा, उसके बाद जो शेप है सबमरीन की वो नीचे ढलेगी। तो एक बार जो DRDO का AIP है वो यहाँ पे लग जाता है तो सबमरीन की जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी। अब जो सबमरीन की लेंथ है वो 66 से लेकर 70 मीटर के बीच में है। जैसे ही आप AIP लगा दोगे तो जो लेंथ है वो 7 से 10 मीटर के बीच में बढ़ेगी। इसको मिनिमम 32 क्रू भी ऑपरेट कर सकते हैं, जबकि किसी भी टाइम पे 44 से लेकर 52 क्रू भी हो सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो तो सरफेस पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो 1600 टन की है और सबमर्ज हालत में लगभग 1800 टन की है। परफॉर्मेंस की बात करते हो सबमरीन की तो ये तकरीबन 350 मीटर की डेप्थ में जा सकता है मैक्सिमम। सबमर्ज हालत में जो स्पीड है वो 20 नॉट की है, जो कि 37 kmph की बैठती है। रेंज की बात करते हो तो 12000 किलोमीटर की रेंज है, जब स्पीड आपकी 8 नॉट की हो, मतलब आपको कोई जल्दी ना हो। एंड्योरेंस की बात करोगे तो 50 दिन की है, मतलब 50 दिन के लिए जो भी सामान है जरूरत का वो कैरी कर सकता है। तो इस सबमरीन को कंप्लीट टॉट लेके बनाया गया है, जहाँ पे सबमरीन के आउटर सरफेस पे यानी कि प्रेशर हल पे एनाकोइक टाइल भी दिए गए हैं, ताकि वो साउंड को डैम्पन कर सके और सबमरीन को स्टेल्थ बनाए। तो ये चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ पे इस सबमरीन में बात करोगे कि कितनी तकनीक भारत में बनाई गई हैं, मतलब जो चीज़ें इंडिजिनस हो चुकी हैं, जैसे कि इसका मेन थ्रस्ट ब्लॉक, बैलेस्ट वेंट और वेल्व हैं, वो भी इंडिजिनस हो चुके हैं। हल्के हैच इंडिजिनस हैं। वेपन होल्डिंग एंड स्टोरेज इक्विपमेंट है इंडिजिनस हैं। हाई प्रेशर एयर सिलेंडर, कॉफेडम टूल्स, नकल होज और स्टीयरिंग कंसोल के साथ साथ जो CMS है वो इंडिजिनस हो चुका है, जबकि वो सिग्नल रिकॉयर फ्लेयर लॉन्चर है इंडिजिनस है। बायो का रिलीज सिस्टम इंडिजिनस है, यानी कि सोनो बायो का। वेपन लोडिंग इंडिजिनस है और ये कुछ जो सिस्टम वो इंडिजिनस है, जिसमें जो CO2 अब्जॉर्बर है वो भी इंडिजिनस है। सो ये सिस्टम भारत के कौन कौन से पार्ट में बनाए जा रहे हैं वो आपको अभी दिख रहा होगा। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं काउंटर मेजर को लेके। इसका जो काउंटर मेजर सिस्टम है यानी कि एंटी टॉर्पेडो काउंटर मेजर सिस्टम, वो भारत की BDL पार्टनरशिप में बना रही है, जो कि C303 है, जहाँ पे S स्टैंड करता है सबमरीन के लिए। और इस तरह के जो भी डिकॉय होंगे वो आपको हेल्प करेंगे एनमी की तरफ से आ रहे टॉर्पेडो को गुमराह करने में, जहाँ पे टारगेट के रूप में प्लस एक जैमर के रूप में भी काम करेंगे, मतलब ये खुद ही टारगेट बन जाएंगे और जो बेयरिंग आपके सबमरीन की है उसको इमीडिएट करने लग जाते हैं। तो ये सिस्टम आपके कलवरी क्लास सबमरीन पे है। यहाँ पे एक सवाल था कि इन सबमरीन को न्यूक्लियर सबमरीन में कन्वर्ट किया जा सकता है नहीं, यानी कि AIP की जगह पे जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसका पोर्शन आप लगा दो, तो वो चीज़ काफ़ी हद तक संभव है। इनफैक्ट जो ब्राज़ील ने स्कॉपिंग क्लास सबमरीन को खरीदने के लिए ये जो कंडीशन है वो रखी थी, जहाँ पर उन्होंने डिमांड की थी नेवल ग्रुप से कि लेटर फेज में यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर को फिट करने के लिए जो एडिशनल पाइपिंग और टैप्स हैं वो दिए जाएँ पहले ही, और हल को लेकर जो व्यवस्था है वो वैसे ही की जाए कि बाद में जाकर वो न्यूक्लियर सबमरीन को फिट कर सकें। तो ये कंडीशन उन्होंने रखी थी, उसी के बाद उनका डील है स्कॉपिंग को खरीदने के लिए वो उन्होंने साइन की थी। तो काफ़ी हद तक ये संभव है। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे ब्राज़ील के केस को देख के बता रहा हूँ। भारतीय कॉन्टेक्स्ट में बात करोगे तो यहाँ पे स्कॉर्पिन को लेकर जो तकनीक है वो आपकी हो चुकी है, काफ़ी हद तक जो उसके नो हाव है वो आप जानते हो, तो यहाँ पे भी पॉसिबली संभव हो कि अगर इस कैटेगरी का कोई रिएक्टर आप बनाते हो तो वो फिट किया जा सकेगा। उसके लिए एडिशनल पाइप और टैप की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो संभव ही नहीं है, वो चीज़ संभव है। इसी में बात कर लेते हैं एक और अपडेट को लेके, जो कि भारत के DRDO और BDL द्वारा बनाए गए एडवांस लाइट टॉर्पेडो को लेके है, यानी कि ALWT को लेके है, जिसका जो टेस्ट और कंडक्ट किया गया है इंडियन नेवी के IL-38 से। तो कहीं ना कहीं जो आपके एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी है वो बढ़ने जा रही है, जहाँ पे IL-38 से इसको फायर किया गया है। बहुतों का यहाँ पे मानना है कि इस टेस्ट के टाइम पे ALWT में कुछ और जो एलिमेंट है वो लाकर उनको प्रूव किया गया है, लेकिन अभी ऑफिशियल रिपोर्ट की मानते हो तो यहाँ पे ALWT को ही फायर करके जो टेस्ट है वो कंडक्ट किया गया है। स्पेशली सबमरीन को टारगेट करते हुए एयर एसेट से फायर किया गया है। यहाँ पे इस टॉर्पेडो की बात करते हो तो जो इसकी रेंज है वो 25 किलोमीटर की है लो स्पीड पे, और हाई स्पीड पे जो रेंज है वो 12 किलोमीटर की है, पमजेट दिया गया प्रोपल्शन के रूप में। जबकि डेप्थ की बात करते हो तो तकरीबन 600 मीटर डेप्थ पे ये जाने में सक्षम है, जबकि अपने साथ ये कैरी करता है ताकि ये सबमरीन के हल को पेनिट्रेट कर सके। तो अपने आप में ये की डेवलपमेंट है, जहाँ पे एयर लॉन्च वेरिएंट को टेस्ट किया गया है इस टॉर्पेडो के। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।